तो लास्ट क्लास में हम लोगों की जो बातचीत हुई थी, ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था आप लोगों के मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ में जो बेबी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसमें हम लोग किस तरीके से उसका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि कौन सी वो पर्टिकुलर चीज़ होती है, बराबर, जिस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से बेबी का सेक्स डिसाइड होता है कि वो फीमेल होगा या फिर वो मेल होगा, है ना, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो ऐसे केस में अब हम लोग इसकी मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। मार्किंग करने के बाद फिर हम लोग आगे फिर अपना नई टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। चलो, तो डेवलपमेंट ऑफ बर्थ वाला तो खैर मार्किंग हो गया था, पेज नंबर 31 से हमें मार्किंग शुरू करनी है। तो ऐसे केस में अभी सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक में। वैसे तो मैं ये पूरा पढ़ा चुकी हूँ, बट स्टिल अच्छा, यहाँ पे डायग्राम को देखते जाओ। हाइपोथैलेमस GnRH, तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये आपको पता होने चाहिए कि हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है, वो पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है FSH और LH को रिलीज़ करने के लिए। तो FSH LH कहाँ से आ रहे हैं? पिट्यूटरी से आ रहे हैं। और GnRH कहाँ से आ रहा है? आपके हाइपोथैलेमस से। ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कल को आगे ऐसा डायग्राम बनकर आ जाए और आपको चीज़ों को मार्क करना पड़े, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए। खैर, अभी दूसरी बात, तुम्हें मैंने कल ही बताया था कि टोटल हम लोगों को चार हॉर्मोन्स हैं जो हम लोगों के सिलेबस में हैं और हमको याद रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में। पहला हॉर्मोन है आप लोगों का LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फिर नेक्स्ट है एस्ट्रोजन, और उसके बाद है प्रोजेस्टेरॉन, बराबर। तो ये आपका आंसर है। किस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है भाई ये? तो ये वाला आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन्स, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या दोगे कि आपके ये चार हार्मोन्स हैं, ये चार हार्मोन्स उनको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो फीमेल वर्ड है, यहाँ से आप शुरू करोगे और उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास क्रिएट होकर आ गया। क्या क्वेश्चन क्रिएट होकर आ गया कि डिफाइन करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। अच्छा, बढ़िया है। और पहले छोटे छोटे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल मार्किंग कर लेंगे कि पेपर में अगर 4 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आया तो हम कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना, बराबर, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, अब आगे क्या है? क्या बताया था मैंने तुम लोगों को कि जब LH का लेवल मैक्सिमम पे पहुंच जाता है तो जो ओसाइट है वो, मतलब जो फॉलिकल है वो फट जाती है और ओसाइट बाहर निकल कर आ जाता है ओविडक्ट में। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको ओव्यूलेशन को डिफाइन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि जो हम लोगों का फॉलिकल है जो धीरे 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 डेवलप हो रहा है, ठीक है, जब वो डेवलपमेंट पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो डेवलपमेंट पे पहुंच जाने के बाद फट गया, तो डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इज डेवलपमेंट एंड बर्स्ट, एंड बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ओओसाइट इज रिलीज, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा डिफाइन ओव्यूलेशन, कि ओव्यूलेशन आखिर होता क्या है। तो वो ओओसाइट का बाहर निकलना LH के मैक्सिमम पे पहुँचने के बाद, दैट इज़ बेसिकली ओव्यूलेशन। तो यहाँ से लेके जितनी भी पिंक मार्किंग आपको दिख रही है ये ओव्यूलेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो चिथड़ा यानी कि ओसाइट के चले जाने के बाद जो चीज़ बच जाती है, दैट बचा कुचा पार्ट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, उस बचे कुचे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम ही वो चीज़ होती है जो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करती है ना, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को ये लगता है कि इम्प्लांटेशन होगा, वो 7 डेज तक, ओव्यूलेशन के बाद से 7 डेज तक वो वेट करती है कि इम्प्लांटेशन होगा, बेबी जायगॉट आएगा, एम्ब्रॉयो बनेगा, एम्ब्रॉयो आके इम्प्लांट होगा, एम्ब्रॉयो को फूड चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, है ना, उसको ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होगा,
तो उसके लिए वो बेसिकली एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरॉन देती है, सप्लाई करती है। अच्छा, तो आपको ये पहले तो पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन सीक्रीट कौन करता है, क्योंकि अभी तक आपने पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी वर्ड्स पढ़े उसमें से सिर्फ यही इकलौता पर्टिकुलर चीज़ है जो प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रीट करता है, और अभी तक प्रोजेस्टेरॉन के नाम का जिक्र भी नहीं हुआ था, पहली बार इसका जिक्र यहाँ पे शुरू हुआ है। तो आपको याद रखना है कॉर्पस ल्यूटियम - प्रोजेस्टेरॉन। तो जब आज की नोट्स मार्किंग ख़त्म हो जाएगी, तुम हेडिंग जब दोगे कि नोट्स, तो उस नोट्स में पहला पॉइंट ये लिखना, कॉर्पस ल्यूटियम छोटा सा - प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, बराबर। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जैसा कि मैंने बताया एंडोमेट्रियम जो थी, है ना, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होने वाला है वो और डेवलप होता है। इवन ये जो एंडोमेट्रियम होते हैं, एंडोमेट्रियम के पास बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड से ग्लाइकोजन रिलीज होता है जो बेबी के लिए एज अ फूड, मतलब जो एम्ब्रॉय आके इम्प्लांट होने वाला है उसके लिए बेसिकली फूड बनाता है, फूड है उसका। तो इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियम के अंदर डेवलपमेंट होते हैं, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। खैर, फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर फर्टिलाइजेशन लेट से नहीं हुई, ठीक है, अगर लेट से फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो धीरे 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 क्या होगा, बेचारी कॉर्पस ल्यूटियम मरने लगेगी, साइज में छोटी होने लगेगी, है ना, बराबर। अच्छा, तो उसमें जब वो कॉर्पस ल्यूटियम साइज में छोटी होने लगती है तो उसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं कॉर्पस एल्बिकम। और जब वो कॉर्पस ल्यूटियम थी तो जब वो अपने अंदर से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रही थी, अब वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को रिलीज़ करना भी बंद कर देती है, और जैसे ही ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होना बंद होते हैं, जो एंडोमेट्रियम डेवलप हो रही थी, क्योंकि एंडोमेट्रियम अपने आप डेवलप नहीं हो रही थी, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंड एस्ट्रोजन की वजह से डेवलप हो रही थी, तो एज सून एज प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ने की सप्लाई बंद हो गई कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि कॉर्पस एल्बिकम में कन्वर्ट हो गई, तो धीरे धीरे एंडोमेट्रियम क्या होने लगती है बताओ, इन दोनों हार्मोन्स की कमी की वजह से टूटने लगती है। और एंडोमेट्रियम के टूटने को ही बेसिकली हम ब्लीडिंग कहते हैं, और ब्लीडिंग को ही हम लोग कहते हैं कि पीरियड्स आ गए, ठीक है। तो जब ब्लीडिंग होती है, मतलब जब पीरियड्स नहीं होते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो खैर, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि ये क्वेश्चन बन जाएगा डिफाइन कॉर्पस एल्बिकम्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको CA लिख रही हूँ, ठीक है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर कॉर्पस एल्बिकम कहते किसको हैं। जब कॉर्पस ल्यूटिकम बेचारी इंतज़ार कर करके जब वो थक जाती है ना, तो बेचारी फिर आगे बढ़ जाती है, अरे यार चलो करके अब मैं किस में कन्वर्ट हो गई हूँ, कॉर्पस आपके एल्बिकम्स में, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिखो व्हाट विल हैपन इफ ओसाइट इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड विथिन 24 आवर्स। क्योंकि मैंने तुम्हें कल ही बताया है कि जो आप लोगों का ओसाइट होता है, यानी कि जो ओवा होती है, उसकी लाइफ साइकिल ही बेचारे की एक दिन की है, एक दिन से ज़्यादा तो वो ज़िंदा भी नहीं रह सकती। फिर तो उसका अगर एक दिन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ऐसे केस में, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा आंसर है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका आंसर है, लेकिन इसको ऐसे मत लिख देना गधे जैसे, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट करके हम लिखते हैं, बराबर। तो उसमें क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, कॉर्पस ल्यूटियम बिकम इनएक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस एल्बिकम, ये पॉइंट नंबर वन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सीक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स, ये पॉइंट नंबर टू, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये दो हॉर्मोन्स आपके सप्लाई होना बंद हो चुके हैं, ठीक है, तो सप्लाई नहीं हो रहे हैं तो एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डीजनरेट, ठीक है, वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है, पॉइंट नंबर तीन। अच्छा, वेरी गुड। और साथ ही साथ में जो टूट रही है, मतलब जो एंडोमेट्रियम आपकी टूट रही है, और जो अनफर्टिलाइज ओवम है वो वेजाइना के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, दिस विल बी अ पॉइंट नंबर चार। अच्छा, और यहाँ पे क्या होता है, दिस इज़ एकॉम्पेनाइड विथ कंटिन्यूस ब्लीडिंग, पॉइंट नंबर पाँच, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक,
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 6, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा और यहाँ से कोई क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है क्या? एक क्वेश्चन तो यहाँ से और क्रिएट किया जा सकता है, डिफाइन मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, कि आखिर ये मेंस्ट्रुएशन नामक बला आखिर है क्या, ये चीज़ पूछ लेगा। तो ऐसे केस में तब इसको कितना आंसर दोगे, तब कितना डिफाइन करोगे बताओ। तो जब डिफाइन मेंस्ट्रुएशन पूछेगा तो सिर्फ इतना लिखना, अच्छा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रुको कुछ ग्रीन कर लेते हैं। देखो ये टिश्यूज ऑफ डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज ओवम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू वेजाइना, ठीक है, विथ कंटिन्यूस ब्लीडिंग, वो जो दिस इज एकॉम्पनाइड वो वर्ड हटा देना, ठीक है, बराबर, अच्छा, एंड इट कंटिन्यूस, और उसके बाद यहाँ पे ब्लीडिंग को काट के फिर लिखना एंड इट कंटिन्यूस अप्रॉक्सीमेटली फॉर 5 to 6, दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। तो अगर मेंस्ट्रुएशन पूछे तो जितना मैंने अभी डिक्टेट किया, जितना मैंने ग्रीन ग्रीन कलर से मार्क किया, आपको उतना लिखना है, ठीक है, राइट, इस चीज को आपको लिखना है। अच्छा, और उसके बाद जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस प्रेग्नेंट लेडी के पीरियड्स रुक जाते हैं टेम्पररी, नॉट परमानेंटली। परमानेंटली अगर रुक गए तो उसको तो मेनोपॉज कहते हैं, जो कि यूजुअली 40 to 50 ईयर्स के बीच में हो जाता है। बट जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो उस प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स रुक जाते हैं, ठीक है, कब तक रुके रहते हैं बताओ, ठीक है, जब तक क्या है, जो बेबी पैदा नहीं हो जाता और मदर ब्रेस्ट फीडिंग, उसको दूध पिलाना, ठीक है, शुरू नहीं कर देती है, बराबर, अच्छा। और उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछे जाएंगे। सबसे पहला, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, वैसे तो ये नेचुरल है बट स्टिल इससे रिलेटेड ट्रू और फॉल्स आ सकता है, ठीक है, तो इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, इसमें अलग से कोई क्वेश्चन मत क्रिएट करना। फिर जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो फीमेल बॉडी के क्या कुछ उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें फीमेल बॉडी को एक्सपीरियंसेस उनको मिलते हैं, जैसे कि उनको सीवर वीकनेस लगती है, ठीक है, क्योंकि ब्लीड हो रही है ना बॉडी, अच्छा, हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस टू, अगर हाइजीन मेंटेन नहीं की जाए, राइट, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ में क्रैम्प्स, दर्द होता है स्टमक में, पेट के तरफ क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या है एक फीमेल को फेस करनी पड़ती है। तो इसका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रुको, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या फिर ऐसा ड्यूरिंग पीरियड्स अ वूमन फेस विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, बराबर, ये वाली चीज। तो इसका आंसर जो मैंने लिखा है 3 words, सीवर वीकनेस, हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड स्टमक क्रैम्प्स, ये आप लिख सकते हो। चौथा आप चाहो तो मूड स्विंग्स भी लिख सकते हो, बट ये 3 जितना बुक में है उतना ही लिखो, ज़्यादा मत करो उसमें, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और क्रिएट किया जा सकता है, वो ये कि why there is a need, यहाँ पे ऐसा देखो ये why there is a need of rest along with special personal hygiene during periods या फिर during menstruation cycle, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में ऐसा। तो अगर ये ऐसा पूछा गया तब क्या जवाब दोगे, तब जवाब ये दोगे, ठीक है, ये जितना ये लाइन में लिख रही हूँ ना, ये अच्छा, ये कि वुमेन एक्सपीरियंस सीवर पेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फुल स्टॉप लगा देना, नेक्स्ट पॉइंट बनाना, ये पॉइंट नंबर 1 बना लेना, पॉइंट नंबर 2 ये बनाना, सीवर वीकनेस इज फेल्ट ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग, पॉइंट नंबर 3 ये बनाना, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस टू ड्यूरिंग द ओवरऑल पीरियड, और उसके बाद चौथा पॉइंट बनाना, हैंस देयर इज अ नीड ऑफ रेस्ट एंड पर्सनल हाइजीन। तो ये गिव रीजन के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, अच्छा। और उसके बाद ये वाली चीज़ ट्रू और फॉल्स में आपको पूछी जा सकती है, जैसे कि क्या, कि जब ओसाइट हमारा फर्टिलाइज अगर हो गया, लेट से एम्ब्रॉयो इम्प्लांट अगर हो गया, तो ऐसे केस में पीरियड्स की साइकिल टेम्प्ररीली स्टॉप हो जाती है। तो ये जो वर्ड है द एम्ब्रॉयो इज इम्प्लांटेड रिपीटेशन ऑफ द साइकिल इज टेम्प्ररीली स्टॉप, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप किस में लिख लीजिएगा, नोट्स में, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए कि
वो टेम्प्रेरीली स्टॉप होती है. प्लीज़ फोकस ऑन दिस वर्ड टेम्प्रेरीली. कई बार हो सकता है ट्रू और फॉल्स में आपको वहाँ पे टेम्प्रेरी हटा के परमानेंट डाल दें, ताकि आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन रीड करो और आपको लगे हाँ स्टॉप तो हो जाती है और आप वहाँ पे लिख दो ट्रू. भाई टेम्प्रेरी स्टॉप होती है, परमानेंटली स्टॉप नहीं होती है. ठीक है. अच्छा, टिल दी पार्ट यूरिशन एंड देयर आफ्टर द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. बस ये जो पूरा का पूरा लाइन है इसको आप लिख दोगे कहाँ पे, नोट्स कॉपी में. अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है. यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ. व्हाट हैपेंस टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको मैं एमसी लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, व्हेन एम्ब्रॉयो इज इम्प्लांटेड, अगर एम्ब्रॉयो इम्प्लांट हो गया है तो क्या होता है. तो ऐसे केस में वो जो मैंने अभी नोट्स में लिखने को कहा ना, इफ द एम्ब्रॉयो इज इम्प्लांटेड रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल इज टेम्परेरी स्टॉप टिल द पैट्रिशन एंड द देर आफ्टर द ब्रेस्ट फीडिंग, वो उतना आंसर तुम्हें इस ब्लू वाले केस में लिखना है. तो पेज नंबर 32 के स्टार्टिंग के दो पैराग्राफ में से जितनी मार्किंग हम कर सकते थे वो हमने कर ली. डन. ओके, अब हम लोग मूव करते हैं ऊपर की तरफ, दैट इज पेज नंबर 31. इसमें हो सकता है कुछ मार्किंग अभी भी मेरी तरफ से बाकी रह गई है ना. अच्छा ठीक है, देख लेते हैं. अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट, इसको नोट्स में लिखना कि जो डेवलपिंग फॉलिकल होता है, वैसे तो मैंने कल पढ़ाते वक्त भी बताया है, बट स्टिल आपको नोट्स में ये ज़रूर लिखना है कि एस्ट्रोजन बॉडी में आता कहाँ से. अब वैसे तो पता है ओवेरी से आता है, बट ओवेरी में कहाँ से आता है. तो जब हम लोग FSH, हमारी बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड से जब FSH रिलीज करती है, तो FSH के रिलीज होने की वजह से ओवेरी के अंदर में जो फॉलिकल्स होते हैं, वो फॉलिकल्स क्या करते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. और जब वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं तो उनके अंदर से जैसे जैसे वो डेवलप होते हैं, उनके अंदर से एस्ट्रोजन का क्या होता है, रिलीज होता है. ठीक है, तो ये आपको नोट्स कॉपी में लिख लेना. इससे हो सकता है ट्रू फॉल्स MCQ वन मार्क क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ ले. जैसे कल को ट्रू फॉल्स पूछ लेगा कि कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स टू सीक्रेट एस्ट्रोजन, तो एक इंसान को पता होना चाहिए ना कि कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन नहीं प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रही है. और उसको ये पता होना चाहिए कि डेवलपिंग फॉलिकल जो होता है, डेवलपिंग फॉलिकल, वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं करता है, वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है ना. तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको सीधा सीधा पूछ लेगा. तो जो नोट्स हैं, इवन जो मैंने पहला पॉइंट नहीं बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम के बाजू में डैश डालकर लिख लेना करके प्रोजेस्टेरोन, तो वैसे ही यहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल लिखना, उसके बाजू में डैश डालना और उसके बाजू में लिख देना एस्ट्रोजन. ठीक है. अच्छा, उसके बाद तुमसे क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा सकता है फंक्शन ऑफ FSH की जो अरे यार ये क्या हो गया, चैप्टर का इनिशियल खुल गया है. तो एक मिनट, ठीक है. क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फंक्शन ऑफ FSH. तो अगर FSH का फंक्शन पूछ लेगा तब आप क्या जवाब दोगे, तब इन दैट केस, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए जवाब रेडी रखते हैं. देखो, सेवरल फॉलिकल्स इन द वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स इन द ओवेरी स्टार्ट्स टू डेवलप अलॉन्ग विद द ओओसाइट प्रेजेंट इन इट अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH. ये वाला आंसर आपको देना है. ये जो येलो कलर की लाइन से मैंने मार्क किया है ना, ये इसका आंसर है कि जो ओवेरी के अंदर बहुत सारे इमेच्योर सेल्स होते हैं, उनको डेवलप करना, उनमें से किसी एक को डेवलप करना वो शुरू करती है और बाद में और डेवलपमेंट होता जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वगैरह वगैरह. खैर, तो इतना तुम्हारी बुक के अंदर मार्किंग थी, वो मैंने बता दी. ठीक है. अच्छा, अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन. तो देखो सीधा डायग्राम आएगा, ड्रॉ द डायग्राम. इवन मेरे हिसाब से शायद ये टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है भी. देखो ये देखो, ड्रॉ स्केच एंड लेबल मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये डायग्राम तो वैसे भी आने ही वाला है, तो डायग्राम को तो आपको करना ही है. अब कई लोगों को लगता है डायग्राम कैसे करेंगे, ये तो बहुत कठिन है. कुछ कठिन नहीं है. आपको ये जो ऊपर का पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, FSH, LH जो इतना कठिन तरीके से बना कर दिया, इतना कठिन तरीके से नहीं बनाना है. एक बॉक्स बनाओ, उसके अंदर लिख दो हाइपोथैलेमस और ब्रैकेट में लिख दो GnRH. उसके बाद एरो दे दो, एरो देने के बाद एक दूसरा बॉक्स बना दो इस तरीके से, इसके अंदर लिख दो पिट्यूटरी ग्लैंड और वहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो FSH एंड LH. समझ जाएगा एक.
और यहाँ पे इस तरीके से एरो करके लिख देना कि ये दोनों चीज़ें कहाँ पर हैं, दोनों चीज़ें ब्रेन में। फिर यहाँ से आप इस तरीके से एरोज बना सकते हो कि देखो सबसे पहले छोटा साइज़ था, फिर देखो किस तरीके से आजू बाजू होने लगा, मतलब समझो थोड़ा बहुत तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ग्राफ्स हैं, आपको लगेगा कि अरे ये क्या है, तो देखो यहाँ पे पहले ब्लीडिंग है स्टार्टिंग में और एंडिंग है फिर ब्लीडिंग है, बीच में कहीं ब्लीडिंग नहीं है। हाँ, ये जो ओव्यूलेशन पीरियड है ना, इसको थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ओव्यूलेशन पीरियड को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी वो टोटल 4 पीरियड्स में, देखो इन्होंने तुम्हारी बुक वाले ने क्लासीफाई किया है। पहला स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन, मैंने कल पढ़ाते वक्त 5 दिन लिए थे, इन्होंने पढ़ाते वक्त अभी 4 दिन लिए। पहला जब ब्लीडिंग होती है, दैट इज़ पीरियड्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। दूसरा एंडोमेट्रियम फिर से धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होती है। तीसरा ओव्यूलेशन। चौथा कि एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ सीक्रीशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि इन हाउ मेनी पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड। तो आंसर लिखोगे कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। अच्छा, क्वेश्चन आ जाएगा एंड नेम देम, तो नेम देम के इसमें एक के नीचे ये लिख देना, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि तुमसे ये पूरा का पूरा डायग्राम पूछे, तुमसे हो सकता है कल को ये पूछे कि डायग्राम ड्रॉ करो सिर्फ ओवेरी में क्या चेंजेस हुए मेंस्ट्रुएशन के दौरान, सिर्फ उतना। तो अगर उतना भी पूछा जाए तो भी पूरा ही बनाना, क्योंकि किस दिन क्या चेंजेस हो रहे तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ही समझाया जा सकता है ना, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई टेक्स्ट बुक में सवाल है क्या, और वो देख लेते हैं। तो जेंडर वाला तो खैर मैं अभी तुमको लिख मार्क करा रही हूँ, उसके बारे में तो अभी बात नहीं करते हैं। हाँ, ये देखो कंप्लीट द पैराग्राफ, ये अपनी नोट्स कॉपी में आज ही लिख लेना, ठीक है। कुछ नहीं है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ फॉलिकल प्रेजेंट इन द ओवेरी अकर अंडर द इफेक्ट ऑफ डैश। अब इतना तो रट ही गया होगा कि ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ FSH की वजह से होती है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, FSH मतलब ये वर्ड, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, पॉइंट नंबर 1 है ना। दिस फॉलिकल सेक्रीट एस्ट्रोजन डैश ग्रोज। कौन ग्रो होगा बताओ, कौन ग्रो होगा? अब ऑप्शन जो दिए हैं उस ऑप्शन में देख लो, लूटिनाइजिंग हार्मोन तो ग्रो होगा नहीं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम तो ग्रो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है एंडोमेट्रियम, यानी कि एंडोमेट्रियम ग्रो होगी। अंडर द इफेक्ट ऑफ डैश फुल्ली ग्रोन अप फॉलिकल बस्ट ओव्यूलेशन अकर एंड डैश इज फॉर्म्ड। मतलब वो ये बोल रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ, मतलब किसकी वजह से बस्ट होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से बस्ट होता है, और वो फट जाने के बाद क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है ना। रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉलिकल ईट सेक्रेट डैश एंड डैश, मतलब जो अब बच गया उसके अंदर से कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं। तो जो अब बच गया उसके अंदर से 2 ही हॉर्मोन्स निकलेंगे, अब ये कॉमन सेंस है, एक का नाम है एस्ट्रोजन, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद बोल रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन ग्लैंड्स ऑफ डैश आर एक्टिवेटेड एंड बिकम रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। किसके ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे, एंडोमेट्रियम के, खत्म, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। तो खैर ये तो तुम्हारे टारगेट में भी होगा पूरा तरीके से मार्क, इसको अपने नोट्स कॉपी में लिखोगे। और उसके अलावा हाँ, क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्क्राइब इन ब्रीफ। अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले तो खूबसूरत सा डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम के बाद में ब्राउन कलर से पॉइंट्स मार्क करवा रही हूँ, उन पॉइंट्स को आपको अपनी नोट्स कॉपी में लिखना है। वो कोई पॉइंट्स ऐसे नहीं है कि मैं कुछ आउट ऑफ द सिलेबस जाके बता रही हूँ, बेसिकली मैं आपको जो अभी तक मैंने मार्किंग कराई उसी मार्किंग को शॉर्ट में निपटा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ये पूछा जाए कि एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिटेल, तो पहले तो पॉइंट नंबर 1 में मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन करना, जो कि ऑलरेडी मैं मार्क करवा चुकी हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफाइन। पॉइंट नंबर 2 में डायग्राम बनाना मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और पॉइंट नंबर 3 में हेडिंग देना डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद सब पॉइंट्स देना ABCD, ठीक है। कि डिस्क्रिप्शन को हम लोग सब पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सब पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये लिखोगे, मैं सुनो बोल रही हूँ ठीक है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब कैसे मार्क कर रहा हूँ यार, मैं बहुत खिचड़ी ऑलरेडी हो गई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। देखो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय 4 हार्मोन्स, ऐसा लिखना पॉइंट नंबर ए में। फिर उसी पॉइंट नंबर ए के नीचे में, ठीक है, और सब पार्ट्स बनाना, 1 2 3 4, और उसमें चारों हार्मोन्स के नाम लिख देना,
खत्म, यानी कि पहले कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है हमने पहले उसकी बातचीत कर ली, चलो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अब आगे आते हैं, नेक्स्ट लिखना, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुनो, मैं जो बोल रही हूँ वो लिखना, बुक के अकॉर्डिंग ही लिखना। ड्यू टू FSH, ठीक है, ड्यू टू FSH, कॉमा वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल इन ओवरी स्टार्ट्स टू डेवलप अलॉन्ग विथ ओसाइट्स। ऐसा नहीं है कि मैं बुक के बाहर से कुछ बता रही हूँ, बट स्टेटमेंट्स अपने वर्ड्स में अरेंज कर रही हूँ। ये होगा पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी लिखना, ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट प्रोसेस, ऐसा लिखना, एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड आउट। ये पॉइंट नंबर सी हो गया। पॉइंट नंबर डी लिखना, एंडोमेट्रियम इन यूटेरस स्टार्ट्स टू डेवलप, ठीक है, ड्यू टू दिस एस्ट्रोजन, मतलब FSH की वजह से फॉलिकल बना, फॉलिकल की वजह से एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये होगा इतने पॉइंट्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई है आई थिंक, ठीक है, उसके बाद लिखना, व्हेन LH लेवल reaches to its maximum value, ठीक है, then development of follicle completes and follicle burst out लिखना, and oocyte is released. Known, this process is no full stop, this process is known as ovulation. Point number E हो गया। Point number 4 लिखना, remaining tissue, मतलब जो चिथड़े बच गए उस follicle के, उसको हम लोग corpus luteum कहते हैं। इसका अच्छा define करूँगी, जो बच गए। पॉइंट नंबर एफ हो गया। पॉइंट नंबर जी लिखना, दिस कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। पॉइंट नंबर जी लिखना, ड्यू टू दिस प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स सीक्रीट्स देयर सीक्रीशन एंड प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। पॉइंट नंबर जी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एच में आओ। पॉइंट नंबर एच में लिखना केस वन। पॉइंट नंबर एच में लिखना केस वन, इफ ओसाइट इज नॉट फर्टिलाइज विद इन वन डे या विद इन 24 आवर, कॉर्पस लिटियम बिकम इनएक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस एल्बिकम। अच्छा, मतलब बेसिकली जितना भी मैंने मार्क करवाया ना, व्हाट विल हैपन इफ ओसाइट इज नॉट फर्टिलाइज, इजी, जितना भी वो मार्किंग करवाई है मैंने, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव, पॉइंट सिक्स, उसको अपने एच पॉइंट में केस वन बना के पूरा एक के नीचे सब पॉइंट्स बना के लिख लेना। फिर आई, मतलब नेक्स्ट में बनाना केस नंबर टू। केस नंबर टू में लिखना, इफ ओसाइट इज फर्टिलाइज्ड इज इम्प्लांटेड, ठीक है, देन दिस साइकिल इज टेम्परली स्टॉप्ड टिल पैट्यूरेशन एंड देयर आफ्टर द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। खत्म, एक था, यानी कि इतने पॉइंट्स में ही आंसर खत्म होगा। और लगे तो आखिरी में जब एक पॉइंट और डाल देना कि ड्यूरिंग दिस फेज वुमन्स नीड्स लॉट ऑफ रेस्ट, ठीक है, अलॉन्ग विथ पर्सनल हाइजीन इन ऑर्डर टू अवॉइड सम इन्फेक्शंस, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा डिटेल में बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की मार्किंग हो गई। सेक्स और मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन की भी मार्किंग कर लेते हैं। देखो, पढ़ाते वक्त ऑलरेडी बताया गया है कि फीमेल जो है उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो XX होते हैं, जो मेल होते हैं उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XY होते हैं। हमेशा जब जायगोट बनता है तो मेल की तरफ से एक क्रोमोसोम आता है, फीमेल की तरफ से एक दूसरा क्रोमोसोम आता है, राइट। और उसके बाद दोनों के एक एक क्रोमोसोम कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, जायगोट का क्रोमोसोम, ठीक है। तो यही चीज़ हमको लिखनी है। देखो, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि ड्यूरिंग जायगोट फॉर्मेशन मैन कंट्रीब्यूट आइदर एक्स और वाई, ठीक है, मैन एक्स और वाई देगा। लेकिन अच्छा, सेकेंड पॉइंट में लिखना कि लेकिन फीमेल्स सिर्फ एक्स क्रोमोसोम दे सकती हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक्स ही होता है यार, तो सिर्फ एक्स ही देंगी ना। अच्छा, फिर उसके बाद लिखना नेक्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इफ एक्स क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम मेल द चाइल्ड विल बी अ गर्ल, क्योंकि अगर मैन ने एक्स दिया और फीमेल ने भी एक्स दिया तो जो जायगॉट है वो क्या हो जाएगा, जायगॉट होगा, वो XX हो जाएगा, XX यानी कि फीमेल। अगर मेल ने वाई दिया, फीमेल तो क्योंकि हमेशा एक्स देगी, तो जो जायगॉट होगा वो XY हो जाएगा, और XY मतलब मेल। तो ये पॉइंट लिखना यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस विल बी अ पॉइंट नंबर थ्री। और पॉइंट नंबर चार में ये चार्ट बना लेना, प्यारा सा ये चार्ट बना लेना, ठीक है, इसको एक चार्ट बना लेना पॉइंट नंबर चार में। अच्छा, खैर,
अब इसका एक मैडम ये क्वेश्चन किस चीज़ का है जिसका आप आंसर मार्क करा रहे हो, तो ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चीज़ का है कि जेंडर ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय मेल पार्टनर एक्सप्लेन विथ रीज़न वगैरह वगैरह, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर है, आंसर नंबर 8, राइट, चलो ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म। तो अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई की उसकी मार्किंग हम कर चुके हैं, कल की क्लास में हम ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बातचीत करेंगे और कौन कौन से सांप की डिसीजेज हो सकती है, कैसे उनसे बचा जा सकता है वगैरह वगैरह, ये मिसलेनियस टॉपिक। फिर हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्लांट्स वाला बचेगा, तो फिर प्लांट्स वाले को खैर पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं है अभी, जैसे एक या दो दिन का ही हार्डली काम बाकी है, फिर ये चैप्टर हो जाता है हमारा फिनिश, ठीक है। फिर ये चैप्टर के फिनिश होने के बाद हम लोग चैप्टर नंबर, आई थिंक मैंने क्या सोच के रखा है तुम लोगों का, चलो जान दो जो भी सोचा हो। देखो आगे के जो चैप्टर्स हैं ना, जैसे अभी ये जो पर्टिकुलर चैप्टर मैं खोल कर बैठी हूँ, ये पढ़ाने लायक नहीं है। अगर कोई आपको इसको पढ़ा कर दे रहा है, इट मीन्स दैट कि आपको वो अपंग बना रहा है ताकि आपकी रीडिंग एबिलिटी डेवलप ना हो। ये जो चैप्टर नंबर 4 है ना, ये ऐसा है क्या, हमने खुद ही रीड किया, हमें खुद ही समझ में, क्योंकि बेसिकली दिस इज़ एन EVS, EVS इज़ लाइक अ न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर को कभी किसी और को तुमको पढ़ के समझाने की नीड कभी पड़ती है क्या, नहीं पड़ती ना। तो चैप्टर नंबर 4 बेसिकली तुम्हारे पास ही आने वाला है, वो तुम्हें मुझे समझा के देना है, तुम्हें मुझे करके देना है, तो चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग शुरू कर सकते हो। चैप्टर नंबर 5 भी वैसे का वैसे ही है, ये सारे कि वाटर कैसा है, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ वही है, सिंपल कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो इतने बड़े बड़े डायग्राम्स देख के तुमको डराया जा रहा है, वो कुछ नहीं है ना, ये पेपर में डायग्राम बनाने को आने वाले ना कुछ। हाँ, डायग्राम दे देगा, बोलेगा इस डायग्राम को पहचानो और उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखो, ये ज़रूर आएगा। हाँ, ये मैं मानती हूँ समझाने लायक है न्यूमेरिकल, बट नो, उसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका एनिमल क्लासिफिकेशन, हाँ ये पढ़ाने लायक चैप्टर है। खैर, तो अभी तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, एक 1 और 2 में से कोई एक करेंगे, ठीक है, 1 और 2 के बीच में से कोई एक, और मतलब उनमें से मैं चूज़ करके बताऊँगी कौन सा वाला करना है, और साइड बाय साइड ही हम लोग ये वाला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। कौन सा वाला, ये आपका एक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट करके एक चैप्टर है यहाँ पे बुक में ये, क्योंकि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट रीडिंग चैप्टर है, आप रीड करो, आप पढ़ो, आप समझो, बराबर मैं इसकी मार्किंग करके दूंगी पूरी, यहाँ से इतना लर्न करो, यहाँ से इतना लर्न करो, तो तुम क्या लर्न करोगे पता नहीं भगवान, लेकिन ये रीड करके समझ में आने वाला चैप्टर है। तो ये हर साल यहाँ की बैचेस ये करती हैं, क्योंकि अगर आपको कोई समझा कर दे रहा है ये सारे चैप्टर, तो आपको अपाहिज बना रहा है आगे के लिए, और आगे जब आप जाओगे 11th 12th या उसके आगे कभी कोई दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो वहाँ खुद की रीडिंग एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से उन टॉपिक्स की जो आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी जिनके पास थोड़ा बहुत भी वक्त है,